पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा और उन्हें पाखंडी कहा। वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि तेरी जितनी औकात है उतना बोला कर। वर्मा ने विजयवर्गीय को रावण की संज्ञा दी। उपचुनाव में नेताओं की बदजुवानी भी देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को तू तड़ाक से संबोधित किया। सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय के चुन्नू मुन्नू वाले बयान को लेकर निशाना साधा। वर्मा ने कहा कि कैलाश पाखंडी हैं, कहां सीएम बनने के सपने देखते थे। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बड़े चमत्कारी हैं, कहां फेंक देंगे पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने विजयवर्गीय को रावण की संज्ञा दी और उनकी नाक की तुलना पकौड़े से की। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चुन्नू मुन्नू तो, और अपने कभी कभी राहुल गांधी जी को पप्पू बोलता है। सुन रहे भैया कैलाशिया, ये सज्जन वर्मा बोल रहा है तेरी औकात कितनी है, अपने से बड़े को यूं मुंह उठा के थूकेगा तो थूक तेरे पे गिरेगा, तेरी गानी सुन ले अब मेरे से। आ रही होगी लाइव टेलीकास्ट, चल रहा होगा। क्यों भैया तू भूल गया वो दिन साड़ी पहन के बाल बड़े बड़े करके नाग में नथनी पहन के पंडित जी हाथ में चूड़ी पहन के तंत्र मंत्र करता था, बाल बड़े बड़े कर लिए चोटी गूंद ली। अरे पाखंडी, अपनी बात भूल गया, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था, अब बीजेपी ने गांव उठा के फेंक दिया। वहां जादूगर भैया तो उससे बड़ी जादूगरनी ममता बनर्जी बैठी हुई है। लेकिन एक बात देखना, तुमने कल नोट किया हो, इसकी नाक पकोड़े जैसी हुई कभी देखना, मैं बता रहा हूँ। मैं हर साल की बता रहा हूँ, मैं कल तुम्हारे आया इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। दशहरा जैसे जैसे पास में आता है इसका चेहरा रावण जैसा होने लगे होता। या आप कभी नोट करना, कभी नोट करना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत बारीकी से देखता हूँ। जब दशहरा पास आते आते रावण के जैसा था पूरा मुंह हो जाता है। सज्जन वर्मा सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। सांवेर से नामांकन भरने पहुंचे प्रेमचंद गुड्डू को देखकर लगा जैसे कोरोना के नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं। नामांकन भरने के दौरान गुड्डू ने ना तो मास्क लगाया और ना ही कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। उधर प्रशासन ने सभा के लिए 100 लोगों की अनुमति होने के बावजूद 3000 लोग इकट्ठा करने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित 2 पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। शपथ पत्र में गुड्डू ने चल अचल संपत्ति सहित 64 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है। इसके साथ ही 23 करोड़ की संपत्ति की मालकिन उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी के पास जेवर नहीं है लेकिन बंदूक है। गुड्डू पर साल 2004 में महाकाल मंदिर में शासकीय काम में बाधा का केस दर्ज हुआ था और कोर्ट ने 6 माह की सजा सुनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।